हर अच्छी चीज के ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसी तरह हम 21 दिनों का क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट है वो यहाँ देख सकते हैं, ये आज पूरे दिन के बर्तन यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर रखे हैं, एक भी नीचे नहीं छोड़ के आया, इतना आलसीपन आया हुआ है। पहले तो भैया इस भंडारे को यहाँ से उठा के नीचे छोड़ के आते हैं, उसके बाद करते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। अभी गाइस फिलहाल जब मैं लैपटॉप पे गेमिंग करता हूँ तो फील होता है कि उसका जो ब्राइटनेस का लेवल है वो थोड़ा कम है और साथ में स्क्रीन भी थोड़ा छोटा रहता है। तो मेरे पास ना सेपरेट में ये टीवी पड़ा हुआ था, इसमें HDMI और VGA दोनों पोर्ट हैं, तो इससे क्या है अपन ये वाला जो मॉनिटर है PC का इसे हटा के इसको और लैपटॉप को दोनों एक ही वायर से, लैपटॉप में HDMI केबल लगती है और उसमें PC में VGA केबल है, तो दोनों को एक साथ इसमें कनेक्ट कर देंगे और फिर डिस्प्ले हो जाएगी बड़ी। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये। और उससे पहले इस पे ना मिट्टी भरी पड़ी है बुरी तरीके से, तो इसको पहले साफ कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से ये बंद पड़ा है, इसको कोई यूज़ ही नहीं करता, तो मैंने सोचा इसे एज अ मोनिटर यूज़ कर लेते हैं। और इसका जो साइज़ है डिस्प्ले का वो 24 इंचज़ है और ये वाला 18 इंचज़ का है और ये 24 इंचज़ का, तो दोनों के साइज़ में डिफरेंस देख लीजिए, काफ़ी बड़ा है। और इसके ऊपर गेमिंग करेंगे तो यकीन मानिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखने में इतना ह्यूज लग रहा है, एक बार मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ पुराने वाले मॉनिटर का और इसका, तो काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये वाला जो मॉनिटर है ना उसके सामने बिल्कुल पिद्दू सा लगेगा। अब देखो मैं दोनों को एक साथ में रख के आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ, कहाँ ये वाला है और कहाँ ये वाला। इसको अगर इसके सामने भी रख दें तो भी ये इसको छुपा नहीं पाएगा। अब देख लीजिए दोनों में डिफरेंस, तो कितना ह्यूज हमें डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। इस पर गेमिंग करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, और इन फ्यूचर अगर ड्यूल मॉनिटर की मेरे को ज़रूरत हुई तो मैं इसका भी यूज़ कर लूँगा, बट अभी इसको फ़िलहाल अंदर रखने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने अपने PC का VGA केबल कनेक्ट कर दिया नीचे, जो CPU पड़ा है उसका, और ये जो HDMI केबल जो अपने लैपटॉप में जाएगा वो यहाँ से मैंने निकाल लिया, तो इसको करके लैपटॉप के साथ कनेक्ट। अब देखते हैं किस तरीके से हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो लैपटॉप वाले डिस्प्ले के मुकाबले तो भाई साहब बहुत बड़ा है वो, उस पर गेमिंग करने का आनंद ही कुछ और होगा। इसको करते हैं ऑन। कहाँ ये है और कहाँ ये है, दिन रात का फर्क है। तो इस पर अगर PUBG खेलेंगे तो कहना ही क्या, वीडियो में आपको फिर भी छोटा लग रहा होगा काफ़ी ह्यूज है, क्योंकि 24 इंचज का मॉनिटर काफ़ी रहता है गेमिंग के लिए। गेम हो चुकी है हमारी स्टार्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें खेलने को, इतना अच्छा क्वालिटी आ रहा है। अभी नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो हो सकता है आपको थोड़े लैग इसमें देखने को मिले। तो भाई कुछ इस तरीके का इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा हमें। अभी आपको वीडियो में तो इतना आइडिया नहीं लग रहा होगा, बट जो रियल गेम जो अभी मैं खेल रहा हूँ, लोडिंग आ गया यार, नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क काफ़ी कम है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। एक इसमें खेल रहा हूँ और एक यहाँ पे भी दूसरा दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। सो फाइनली गाइस हमारा मॉनिटर का सेटअप कंप्लीट हो चुका है और अभी इस पे हम सुबह गेमिंग करेंगे, तो जो कल का जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी मेरे को लग रहा है अच्छा रहेगा, बाकी कल वाले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक ना गाइस यार इस बार जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो उसे हमें काफ़ी एक बड़ी दिक्कत होने वाली है। सो यहाँ पे ये वाला जो पाइप देख रहे हैं यहाँ पे अभी क्या है, एयर कंडीशनर फिट करवाना था, तो उसके लिए जब तक मार्केट वगैरह नहीं खुलेंगे प्रॉपर, तब जब तक नया स्टॉक नहीं आएगा तो ये काम भी हमारा पेंडिंग रहने वाला है। और बात करें गर्मी की तो टेम्परेचर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है एंड हर रोज़ कुछ डिग्री का फ़र्क आ रहा है टेम्परेचर में, तो गर्मी भी काफ़ी जल्दी आ रही है। सो फिंगर क्रॉस्ड जल्दी से जल्दी मार्केट खुले, जब तक अगर प्रॉपर तरीके से मार्केट नहीं खुलता है तो ये वाला काम हमारा पेंडिंग ही रहने वाला है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये,
क्योंकि वीडियो वगैरह शूट करते वक्त काफ़ी दिक्कत होती है, इस रूम के अंदर एयर कंडीशनर है नहीं, तो यहाँ पे इस बार इंस्टॉल करवाना था, बट देखते हैं अब आगे क्या कुछ होता है। और ना गाइज इतना ही नहीं है, और भी एक प्रॉब्लम आ चुकी है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो भर भर के एक साथ में ही आ जाती हैं। तो ये जो मैं मैनफ्रोटो वाला ट्राईपोड यूज़ करता हूँ, इसके ऊपर ये जो माउंट लगा हुआ है मोबाइल होल्डर, ये क्या है, यहाँ से इसमें क्रैक आ चुका है। तो इसको मैंने अरला डेड से चिपकाने की कोशिश की, कुछ दिन चला, बट फिर क्या ये वापस से क्रैक हो गया। और अमेज़ोन वगैरह से अगर हम ऑर्डर करते हैं तो अभी फ़िलहाल कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑर्डर्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर हो भी रहे हैं तो वो डिलीवर नहीं होंगे, क्योंकि जो कुरियर सर्विस वगैरह है वो सारी ठप हुई पड़ी है। तो देखते हैं, अब ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जैसे तैसे करके मैं इसे काम चला रहा हूँ। इस पे मोबाइल जब टांगता हूँ तो यहाँ से ना ये इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा माउंट होता है, क्योंकि यहाँ से ये टूटा हुआ है, इसमें क्रैक है, तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ अभी ना क्या सीन है कि हर चीज़ को, जैसे मैं लैपटॉप वगैरह यूज़ करता हूँ तो उसको यूज़ करने से पहले उसका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, वो सब सैनिटाइज़ करता हूँ, और बार बार दिन में 2 से 3 बार अपने फ़ोन को भी सैनिटाइज़र से क्लीन करता हूँ। एंड अभी जो इसका बैक कवर है इसको वॉश करूँगा, क्योंकि इन पे क्या है, जर्म्स वगैरह काफ़ी लगे रह जाते हैं, क्योंकि हर टाइम हम इनको टच करते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ खा पी रहे होते हैं, उन्हीं हाथों से हम इसे टच कर लेते हैं, तो बैक्टीरियाज वगैरह क्या है बॉडी के अंदर एंटर होने का डर रहता है। तो काफ़ी मैं सावधानी बरत रहा हूँ। फ़ोन को तो वॉश कर नहीं सकते, बट इसमें हमें सहूलियत मिलती है कि बैक कवर को ईजिली हम धो सकते हैं। इतना ध्यान अगर हम हर टाइम अपनी बॉडी का, अपनी गैजेट्स का अगर इसी तरह रखते हैं, काफ़ी रेयर ही चांस होंगे कि हमें इलनेस वगैरह या इस तरीके का कुछ बुखार, जुखाम, खांसी वगैरह हो। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, हाथों के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। हम हर किसी चीज़ को छू लेते हैं, फिर उन्हीं हाथों से कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, या फिर आंखों को टच कर लेते हैं, तो उसी से क्या है हर बैक्टीरिया, हर वायरस फैलते हैं। तो अभी कोरोना का तो इतना सीरियसली हम ले रहे हैं, बट इस चीज़ को अगर हम अपनी हैबिट बना लें, क्योंकि अभी 21 डेज हो चुके हैं हमें रेगुलर इसी चीज़ को करते हुए, तो आगे भी अगर इसी तरीके से हम रखते हैं साफ सफाई, तो काफ़ी कम बीमारियां हमें देखने को मिलेंगी। वैसे इन सब के अलावा ना, मेरे को एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने का काफ़ी शौक है। पहले मैं बनाता भी था, अब टाइम की शॉर्टेज से बनाना छोड़ दिया मैंने, लेकिन सोच रहा हूँ दोबारा से मैं स्टार्ट करूँ। तो काफ़ी पेंटिंग्स मैंने लोगों को दे दिया इधर उधर, और कुछ लोग ले जाते हैं, आते हैं, तो थोड़ी बहुत कलेक्शन मेरे पास पड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो मेरा कलेक्शन दिखाऊं, तो मेक श्योर नीचे कमेंट में मुझे बताइए। अगर आप देखना चाहते हैं तो कल वाले वीडियो में मैं आपको जो सारी जो कलेक्शन है अपनी पेंटिंग की, वो वन बाय वन करके आपको दिखाऊंगा। तो पेंटिंग के अंदर क्या है गाइज, मैं जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है वो करना मेरे को काफ़ी पसंद है। एंड नॉर्मल पहले मेरे को बचपन से ही शौक था, तो पहले ना मैं स्केचेस वगैरह बनाता था, जैसे किसी फोटो को देख के तो पेंसिल से सेम टू सेम वही फोटो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो बचपन से ही स्किल्स डेवलप होती रही हैं। एंड जब कॉलेजिंग स्टार्ट की मैंने, तो उस टाइम फर्स्ट ईयर था मेरा, तो फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया, और तभी मैं बनाता था। उसके बाद क्या है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने बनाना छोड़ दिया। अगर आगे इन फ्यूचर भी अगर मेरे को टाइम मिलता है तो उस वाली हॉबी को मैं कैरी ऑन करूँगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत बेसुरा गिटार भी बजा लेता हूँ, वो सामने पड़ा कॉर्नर में, तो वही सेम इसीलिए लिया मैंने क्योंकि मेरे को काफ़ी शौक था गिटार बजाने का। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी सीरियस मैंने लेसन लेना स्टार्ट किया, और जब थोड़ा बहुत मेरे को प्ले करना आ गया, उसके बाद वो भी वहीं कोने में पड़ा है, उसको भी नहीं उठा पाता, क्योंकि हर चीज़ क्या है टाइम मांगती है, और जितना हम उसमें टाइम अपना देते जाए उतनी ही परफेक्शन हमें मिलती जाएगी। तो अभी क्या है, इतना टाइम दे नहीं पाते स्टडीज़ वगैरह के कारण, एंड इधर उधर पंगे करता ही रहता हूँ मैं। कभी यूट्यूब चैनल बना लिया, कभी वीडियो एडिटिंग सीखने लग गया, कभी फोटो एडिटिंग, इधर उधर मैं काफ़ी सारी हॉबीज़ पाल रखी हैं। उन सभी को क्या है टाइम चाहिए, तो हर एक चीज़ को टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो काफ़ी सारी हॉबीज़ ऐसी हैं जो कोने में पड़ी जंग खा रही हैं। तो 16वां दिन भी काफ़ी अच्छे से हमारा गया, और अभी तक हमने बीच में अपनी सीरीज़ को ब्रेक नहीं किया है,
कंटिन्यूसली हम 16 डे से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 5 दिन और करना है और फिर हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, होप सो आपको काफी पसंद आया होगा। इन फ्यूचर भी इसी तरह काफी सारे वीडियोस में लेके आता रहता हूँ, सो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए RC17 Vlogs YouTube चैनल को। मिलते हैं आपको कल एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।